हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। नील स्पर्म एजोस्पर्मिया शुक्राणुहीनता, वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या का जीरो होना क्या है, क्यों होता है और उसको ठीक करने के लिए एक मैं आपको ज़बरदस्त फार्मूला बताऊंगा जिसका आप किसी डॉक्टर के सहयोग से यदि उपयोग में लाते हैं, मैं समझता हूँ आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। तो निसंतान हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार पति पत्नी में दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है या किसी एक में, यानी 50% पुरुष में माना जाए तो 50% स्त्री में हो सकती है। तो पुरुष के अंदर जो शुक्राणु जीरो है, स्पर्म नील है, एजोस्पर्मिया जिसको हम कहते हैं, क्यों होता है इसके बारे में बताऊँगा। तो वीर्य की सही जाँच 3 से 5 दिन या 7 दिन का हम गैप करें, सेक्स ज्वाइन न करें और पर्याप्त नींद लेकर के जाएं, ड्रग्स आदि न लिए रहें, जाएं और पैथोलॉजिस्ट को दें तो वीर्य देंगे तो वहाँ परफेक्ट रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में शुक्राणु की जो संख्या है, स्पर्म जो की जो संख्या है 60 to 150 मिलियन के बीच में होनी चाहिए और उसकी मोर्टेलिटी मैं समझता हूँ 40% से ऊपर होना चाहिए। वीर्य की जो मात्रा है 1.5 से 6 ml, 7 ml, 7.5 ml तक होनी चाहिए। अगर इस मात्रा में रहता है तो शुक्राणु सही है। इसके नील होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोनल सेक्स हार्मोन्स लड़कों के अंदर, पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व का निर्धारण करता है, यह हार्मोन्स यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास पेनिस का ग्रोथ, तनाव, डिस्चार्जिंग 60 to 150 मिलियन के बीच में शुक्राणु आदि होगा जिसको हम फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। तो एक कारण हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से शुक्राणु जीरो हो सकता है। दूसरा, हमारी जो टेस्टिस होती है, जो हमारे अंडकोश होते हैं, उसी में शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, पैदा होता है। यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाए या खराब हो जाए या एकाकंड को रहते ही नहीं है तो भी शुक्राणु जीरो हो सकते हैं, हाइड्रोसील हो सकता है, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि बहुत ज़्यादा लिया जाए तो यह स्थिति हो सकती है। देखिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए अंडकोश पुरुष के बाहर अलग से लटका रहता है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होता है तो शुक्राणु सही रहता है। अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री आदि में वर्क करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी आदि रहती है तो भी शुक्राणु हमारे कम हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत खराब रही हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आदि की मात्रा दी गई हो तो भी शुक्राणु हमारा जीरो हो सकता है। जो भी हो, इसके आज मैं निवारण के बारे में एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो निवारण में जो पहली चीज़ है, बसंत कुसुमाकर रस 4 ग्राम ले लीजिए, त्रिवंग भस्म 5 ग्राम ले लीजिए, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, अमृता सत या गिलोय सत बोलते हैं, अमृता सत 10 ग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 6 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, स्वर्ण भस्म 300 मिलीग्राम। ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको आधे घंटे तक आप अच्छी तरीके से मिलाएं, बारीक कर लें, बारीक तो रहता है, फिर भी आधा घंटा तक मिलाएं और 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक भाग सुबह 1 से 1.5 घंटा कपाल भाती, अनुलोम विलोम, योग प्राणायाम करने के 1 घंटे के बाद आप इनमें 60 भाग डिवाइड किए हैं तो एक भाग 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री, शिलाजीत सत पतंजलि स्टोर मिल जाएगा, शिलाजीत सत 2-2 बूंद डालकर सुबह शाम इसमें से 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को ले लीजिए और 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, देखिए ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मुसली, ये तीनों 100-100 ग्राम लाइए, तीनों का चूर्ण रहता है, तीनों 100-100 ग्राम ला करके 1 चम्मच सुबह शाम आप दूध से ले सकते हैं। इसके अलावा कौच बीज पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, कौच बीज 250 ग्राम, गुंजा 250 ग्राम लाइए। ध्यान दीजिए, कौच बीज को 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी में पहले दूध में उबाला जाता है, जब वो उबल जाता है बहुत देर तक तो उसके छिलके को निकाल कर सुखा लीजिए, कूट पीस कर रख लीजिए, यानी छिलका हटाया जाता है जिसको हम शोधन के नाम से जाते हैं, कौच बीज को शोधित किया जाता है।
तो कौच बीज 250 ग्राम, गुंजा 250 ग्राम को बारीक कूट पीस करके रख लीजिए। एक चम्मच सुबह शाम लेंगे, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त शुक्राणु बढ़ने की स्थितियाँ रहती है। इन जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताया, करने से पहले हार्मोन्स चिकित्सा होती है यदि जीरो शुक्राणु है तो। 20-22 इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो एक डॉक्टर के सहयोग से ही हो सकता है, तो मेरी सलाह होती है एक डॉक्टर से मिल करके आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, मैं समझता हूँ आपको ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। 40-50 मिनट एक काम और करिए, संतति सुधा बटी पतंजलि स्टोर मिल जाएगा, जो भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले 2 सुबह 2 शाम जरूर लिया करिएगा। 40 मिनट कपालभाती, 40 मिनट अनुलोम विलोम, योग प्राणायाम 1 से 1.5 घंटा करिए, पर्याप्त नींद लीजिए और चाय काफ़ी छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स नशा छोड़ दीजिए, देखिए आपको ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। कुछ ही दिनों में शुक्राणु बनने की स्थितियाँ बन सकती हैं। जो भी हो, यदि मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ में स्थित है, सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक डॉक्टरों की टीम रह सकती है, उनसे मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं दवा बनाने में, या यहाँ से दवा बनी बनाई आप मंगा भी सकते हैं। अब कैश ऑन डिलीवरी की भी व्यवस्था हो गई है, जो यहाँ से आप सहयोग हमारा ले सकते हैं। नमस्कार।